محمد وآل محمد. الفاتحة. ऐसा लग रहा था कि वो शेख साहब भी ज्यादा परेशान है।
शेख ने घबरा के कहा क्या बात है? जवाब दिया, आज सुबह एक ऐसा मंजर देखा कि अब तक मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, आंखों से देखा है कोई ख्वाब नहीं है। शेख ने कहा ऐसा क्या मंजर देखा? जवाब दिया, अपने दोस्तों के मुताबिक आज भी मैं कब्रिस्तान में गया, रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं कब्रिस्तान जाता हूँ और कब्र के मुर्दों को सवाब पहुँचा के आता हूँ। कब्रिस्तान के गेट से दाखिल हुआ, सबको सलाम किया, फिर गेट के करीब वाली कब्र पर मैं कुरान पढ़ने लगा। एक मर्तबा मुझे ऐसा लगा जैसे ऐसी बेहतरीन खुशबू नाक में आई कि आज तक मैंने ऐसी खुशबू सूंघी ही नहीं थी। मैंने देखा एक नौजवान शाही लिबास पहने हुए, सर पर एक छोटा सा ताज और चलते चलते एक कब्र के करीब जाकर खड़ा हो गया। मैं दूसरी कब्र पर बैठ कर दुआ मांगना चाहता था, देखा वो नौजवान नजर नहीं आ रहा था। अब कब्रिस्तान में आया फातिहा के लिए, अक्ल हैरान तो थी लेकिन मैंने कहा अपना असल काम करो। दूसरी कब्र के नजदीक में दुआ में मशगूल हुआ, एक मर्तबा मेरी नाक में बदबू आई और ऐसी बदबू आई कि तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऐसी बदबू भी दुनिया में हो सकती है। मैंने देखा कि कब्रिस्तान के दरवाजे से कुत्ता दाखिल होता है, बिल्कुल सियाह और काला कुत्ता, और शक्ल भी उसकी इतनी हैबतनाक कि डर लगे। मैं घबरा के एक तरफ हुआ लेकिन कुत्ता सीधा आगे चला गया और उधर जाकर खड़ा हो गया जहाँ थोड़ी देर पहले एक नौजवान को मैंने देखा था। इतनी ज्यादा फासला था कि मैंने सोचा कि अपना काम जल्दी से करूं और निकलूं कब्रिस्तान से, मगर मैं ये देखकर घबरा गया कि वो कुत्ता भी नजर नहीं आता। अभी मैं परेशान खड़ा हूँ कि मुझे एक कुत्ते के भौंकने की और एक नौजवान के चीखने की आवाज आई। एक ऐसा मंजर था कि आदमी बर्दाश्त न कर सके। मैं एक मर्तबा भागा और दौड़ा उस कब्र की तरफ। जब मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि कब्र से कोई आदमी हाथ टेककर बाहर आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद देखा तो ही नौजवान कब्र से बाहर आ रहा है जो शुरू में गया था। बदन लोहलुहान, जिस्म से खून जारी, लिबास फटा हुआ, जिस्म का गोश लचका हुआ, और वो आ रहा है। मैं घबरा के उसकी मदद के लिए गया और एक बार उससे कहा, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो और वो कौन कुत्ता था जिसने तुम पर हमला किया? उन्होंने उसी कब्र की जानिब इशारा किया और कहा, ये जो मरने वाले हैं कल उसे दफन किया गया। हर एक को मालूम है कि पहली रात जरा सी रियायत मिलती है, शायद मरने वाले के रिश्तेदार ही कोई नेकी भिजवा दे। कहा, मैं उसके नेक आमाल, अल्लाह सुभान व तआला ने मुझे इस शक्ल में भेजा कि तुम जाओ और वो काला कुत्ता उसके बुरे आमाल है। हम दोनों उस कब्र में जमा हुए, लेकिन अफसोस मरने वाले ने कुत्ते को ज्यादा ताकतवर बनाया था और मुझे कमजोर कर दिया था। चुनांचे मैंने अपनी हद तक कोशिश की कि मरने वाले को बचाऊं उस कुत्ते से, लेकिन मुझ में इतनी ताकत ही न थी। जितना मुकाबला कर सकता था किया, आखिर में जख्मी करने के बाद कुत्ते ने मुझे निकाल दिया है। अब वो जाने और ये कुत्ता जाने जो कयामत तक उसके कब्र में रहेगा। उसके आखिर में शेख बहाई मासूमीन की दो हदीस के हवाले से लिखते हैं कि तजस्सुम आमाल एक ऐसी चीज है जो कलम इमाम से साबित है कि कब्र में इंसान के आमाल को बाकायदा जिस्म बनाकर भेजा जाता है। और याद रखिए, अल्लाह सुभान व तआला कोई अजाब नहीं भेजता, अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से अजाब नहीं आता, ये आदमी खुद नेक आमाल और बुरे आमाल करता है। गुनाह हर एक से होता है और बहुत सारे गुनाह रहमत खुदा से ऐसे ही माफ हो जाते हैं, और उनसे ज्यादा गुनाह शफाअत मासूमीन से वैसे ही बख्श दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह से सिलसिले में कि दिन रात आदमी गुनाहों में लगा हो तो ये कैफियत हो जाती है कि वो कुत्ता ताकतवर हो जाता है जो कयामत तक तकलीफ पहुंचाता रहता है। सलावत यही वजह है जिनको इन चीजों की हकीकत मालूम है उनकी जबान पर एक अजीब जुमला आता है। हजरत अबू दर गफ्फारी को पैगंबर ने लुक्मान उम्मत का लकब दिया था। शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब मन ला यहदरुल फकीह में जनाब अबू ज़र गफ्फारी का छोटा खुतबा नकल किया है। वो पूरा खुतबा बार बार पढ़ने के काबिल है। ये मासूमीन के बराह रास्त तरबियत याफ्ता सहाबी है। मासूमीन ने इनके बारे में ये इरशाद फरमाया है कि आसमान ने आज तक अबू ज़र से ज्यादा सच्चे इंसान के सर पर साया नहीं किया और जमीन ने आज तक अबू ज़र से ज्यादा सच्चे इंसान को अपने ऊपर नहीं उठाया। आलम-ए-गुलबर्ग
परदेश जिलावते में जंगल में जाकर बैठे और जवान बेटा इंतकाल कर गया। पूरा शरीफ बाग में जवान बेटे का लाशा दफन किया और खुतबा दिया जो सुनहरी हर्फ से लिखने के काबिल थे। इसमें से सिर्फ दो जुमले पेश खिदमत है। ऐ मेरे जवान बेटे, पूरा बाग तेरे गम में मर जाता मगर दो चीजों ने मुझे जिंदा रखा। एक ये कि बेटा, ये ख्याल मेरे दिल में आता है कि तू वहां चला गया जहां तू खुद अपनी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं मौजूद रहूं, मैं तेरी ज्यादा से ज्यादा मदद करूं ताकि तेरी ज़हमतें कम हो जाए। और दूसरी बात ये है कि जितनी जिंदगी अल्लाह सुभान व तआला मुझे दे दे, मैं अपनी कब्र के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान जमा करूँ। कब्र का सामान एक ऐसा मसला है कि अबू ज़र जैसा अजीम सहाबी वो भी कहता था कि मैं और जिंदगी चाहता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेत कर ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा काम आने वाले अपने आमाल हैं। वो काम आने वाले आमाल क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मरने वाला अपनी कब्र में जाता है, इंतहाई घबराहट का आलम है। एक मर्तबा उसने देखा, मेरी कब्र में ठंडक भी आई, कब्र में रोशनी भी आई, मेरी कब्र में कुछ कुछ से बात करने वाले भी आए। सामने से इसने देखा छह नूर चले आ रहे हैं और वो खाली आए नहीं बल्कि आने के बाद बिखर गए। एक उसके सिरहाने चला गया, एक पाइंटी की तरफ चला, एक उसके दाएं आ गया और एक उसके बाएं आ गया और एक उसके सामने आ गया और छठा जो उन सबसे ज्यादा नूरानी था उन पांचों के ऊपर इस तरह से चला गोया जैसे सरदार अपने गुलामों पर। उसके बाद उसने एक मंजर देखा कि मेरी कब्र में अजाब आना शुरू हुआ, मगर किधर से आए? दाएं तरफ से आए तो दाएं तरफ का नूर उसे रोकता है, बाएं तरफ से आए तो बाएं तरफ का नूर उसे रोकता है। हर तरफ जो नूर खड़ा है उसका काम ही ये है कि आने वाले अजाब को रोके। अब पहले इसे खुद हैरत हुई, ये कौन है जो मुझे बचाने आ गए हैं? एक मर्तबा उसने देखा कि उन लोगों ने भी खुद भी एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर दिया। दाएं तरफ से पूछा गया, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं इस मरने वाले की नमाज हूँ। बाएं तरफ वाले ने कहा, मैं इसका रोजा हूँ। सिरहाने वाले ने कहा, मैं इसका हज और उमरा हूँ। सीने पर मौजूद नूर ने कहा, मैं इसका ज़कात हूँ। पाएंगे वाले ने कहा, ये जो मोमिनीन की मदद करता था मैं वो नेकी हूँ। फिर वो छठा नूर जो सबके ऊपर था उसने एक मर्तबा कहा, मैं इसके सीने में मौजूद मोहब्बत आले बैत और विलायत आले मोहम्मद हूँ। और साथ में एक जुमला भी कहा, मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम यहाँ हो, अगर मैं यहाँ न होता तो तुम में से कोई यहाँ नहीं आ सकता था। नमाज बचाती है अजाब से, लेकिन वही नमाज बचाती है जो विलायत आले मोहम्मद के साथ। हज और उम्रा बचाता है अजाब से, लेकिन वही हज और उम्रा जो विलायत आले मोहम्मद के साथ हो, हर नेकी बचा सकती है, लेकिन सबकी शर्त अमली ये है कि पहले विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद हो। सलावत। शेख अब्बास कुमी ने मुंतहल आमाल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फ़ज़ाइल लिखते हुए एक वाक़िया लिखते हैं कि दो दोस्त थे जिनमें यह तय हुआ था कि हम में से जो पहले मर जाए वो मरने के बाद जो जिंदा बचे उसे मरने की हालात का खबर दे। उन दोस्तों में से एक का इंतकाल हो गया, जो जिंदा बचा था उसने इंतजार किया। अब आए ख्वाब में और सुनाए मौत कहा, यहाँ तक कि कई साल गुजर गए। कई साल के बाद ख्वाब में जिंदा दोस्त ने अपने मरने वाले दोस्त को देखा तो कब्र इसके वो बताता कि मौत कैसी होती है और मौत के बाद क्या होता है। उसने मरने वाले से पूछा, ये बता वादा कब का था, अब क्यों आए, इतने दिन तक तुम क्यों नहीं आए? तो मरने वाले दोस्त कहता है, भाई अगर आजाद होता तो उसी वक्त आता, तुम खुद भी मानोगे कि कैदी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। कहने लगे, क्या मतलब? कहा, जिंदगी में जो गुनाह किए थे उन गुनाहों की सजा में कब्र में कैद थे तो तुम तक आते कैसे अपनी मौत की इत्तला देने? पूछा, क्या गुनाहों की सजा खत्म हो गई? कहा, सजा की मुद्दत तो नहीं खत्म हुई मगर सजा खत्म हो गई। कहा, ये क्या, सजा की मुद्दत खत्म नहीं मगर सजा खत्म हो गई? कहा, मतलब हमें ये नहीं मालूम, अलबत्ता जो गुजरा है वो सुनाई देता। कल हमारे कब्रिस्तान के फला सिम के फला कोने में फला जगह पर एक औरत की मैयत दफन की गई। कब्र का निशान और पता बताया और कहा, औरत की मैयत दफन की गई। जब उसके अजीज दफन करके चले गए तो हमने देखा कि हमारे कब्रिस्तान में रोशनी शुरू हुई और उस रोशनी का रुख उसी औरत की तरफ था जिसे लोग अभी दफन करके गए थे।
और जब रोशनी वहां तक पहुंची, हमने देखा कि उस रोशनी में कुछ नूरानी शक्लें हैं जो उस औरत की मैयत के सिरहाने पहुंची, और नूरानी बुजुर्गों के बीच में एक घुमाया बुजुर्ग है, उन्होंने औरत की मैयत के सिरहाने खड़े होकर एक फिक्रा कहा, तुझे दिन में आराम लगता था जब तक के मेरी ज़ियारत करती थी, आज मैं तेरी ज़ियारत खुद करने आया हूँ। इस जुमले को याद रखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि तू मेरी ज़ियारत करती थी, आज मैं तुझे ज़ियारत कराने आया हूँ, बल्कि ये फरमाते हैं कि कल तू मेरी ज़ियारत के बगैर आराम न पाती थी, आज मैं खुद तेरी ज़ियारत करने आया हूँ। मरने वाले अपने दोस्त से कहता है कि वो बुजुर्ग थोड़ी देर औरत की मैयत के सिरहाने रहे, और जब जाने लगे तो अपने साथी से मुड़के कहा कि इस औरत की कब्र के चारों तरफ 40 गज के अंदर जितनी कब्रों में जितने मुर्दे हैं उन सब पर से अजाब हटा दो। चुनांचे हम उसके बाद अजाब से आजाद हुए हैं, तो आपको ये खबर बताते आया हूँ। साहिब खाना ने मालूम साहिब सुबह हुई आंख खुली, ख्वाब देखने वाले ने बताए हुए पते पर मालूम किया। साहिब खाना ने देर तक सोचा और कहा कि और कोई नेकी तो नहीं जानता, अलबत्ता यह हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहने वाली थी और रोज सुबह को मकान के छत पर जाकर हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करती थी। जब सुन चुके और जाने लगे तो साहब खाना ने कहा, तुमने पूछा, हमने बताया, अब तुम बताओ कि तुम पूछने क्यों आए हो। उन्होंने ख्वाब बयान किया। जब ख्वाब बयान किया तो घर के मालिक की ज़बान पर एक फिक्रा आया कि मैंने उन बुजुर्ग को पहचान लिया जिन्होंने ये फिक्रा कहा था कि तू मेरी ज़ियारत करती थी, आज मैं तेरी ज़ियारत खुद करने आया हूँ, वो कोई और नहीं, वो मेरे आकाए कौने अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम है। इस वाक्य से अंदाजा हुआ कि अल्लाह ने मजलूम करबला को इतनी इख्तियार दिए है, लिहाजा अगर हमारा थोड़ा सा वक्त मदरसों में सर्फ हो जाए तो इसे ज़ाहिर न समझो बल्कि इसे महफूज समझो। इसके एवज में अजर अजीम कयामत में मिलने वाला है और बेहतर से बेहतर मिलने वाला है। हाँ, सोचने की बात यह है कि जब ज़ियारत करने वाली दफन की जाती है तो हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में अपने रोजे में चैन नहीं आता, बल्कि उस कब्रिस्तान में आके कहते हैं, मेरी साहिबा घबरा रही, तुम मेरी ज़ियारत करती थी, आज मैं तेरी ज़ियारत करने आया हूँ, मेरा जी चाहता है आवाज दो मौला, तब भी आ गए होते जब खैमों में आग लगी थी, तब भी आ गए होते जब सकीना तमाचे खा रही थी, मौला तब आ गए होते जब शहजादी के सर से चादर छीन रही थी, मौला तब खबर ले ली होती जब सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जा रही थी, मौला तब आके असीरों की खबर ले ली होती जब ताजियानों से जिस्म छलनी हो रहे थे, जब नहीं आवाज आए, ये इम्तिहान का वक्त था, मदद का वक्त नहीं था। हाँ दोस्तों, अगर विलायत आले मोहम्मद जैसे नेकी हो, अगर विलायत आले मोहम्मद जैसे नेकी न हो तो वही तमाशा होता है जो मैदान कर्बला में हो रहा था। नमाजी शोर मचा रहे थे, ऐ शिमर जल्दी से हुसैन का सर जुदा कर, इसलिए कि हमारा नमाज का वक्त फजीलत निकला जा रहा है। एक नमाजी वो के जिन्होंने नमाज को पढ़ना है फर्जंदे रसूल को सभा करने के बाद, और एक नमाज वो है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी आसमान को देखते हैं, आशुरा की दोपहर होती है, मौला वक्ते नमाज आ गया, एक नमाज और आपके साथ पढ़ना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाथ उठाकर दुआ देते हैं, जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह कयामत में तुम्हें नमाजियों में शुमार करे। एक नमाज वो है जहाँ वक्त फजीलत के लिए जिसके कत्ल में कल जल्दी की जाती है, और एक नमाज वो है जिसे नमाज को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दो सहाबियों को आगे खड़ा कर देते हैं। हमारी नमाजें वो चाहे तीनों को सीने पर रोकना, और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं पूरे सफर में, ये मदीने से करबला का सफर नहीं है, ये करबला से शाम का सफर नहीं है, ये सफर इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मैं पूरे सफर में
ये मदीने से करबला का सफर नहीं, ये करबला से शाम का सफर है, ये करबला से शाम का सफर है, ये वो सफर है, ये वो सफर नहीं है कि सैदानिया महफिलों में बैठी हो, नहीं ये वो सफर है जिसमें न पर्दा है, न महफिल है, न अब्बास है, न अली अकबर है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं, पूरे सफर में मैंने देखा किसी बीवी को नमाज़े शब भी कसा करते नहीं देखा, अगर शामे गरीमा में पानी नहीं था तो खाके करबला से तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। मौला सज्जाद फरमाते हैं, मैंने देखा बीवियों के हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए हैं और इसी हालत में नमाज पढ़ी जाती है। बस आजादारो, बस आजादारो, आज चूंकि मजलिस ज़ाकिरीन के लिए इसारे सवाब के लिए है, थोड़ा सा जिक्र सुनिए। हमारा मशहूर आलिम अल्लामा मद्दसी अलैहि रहमा, हमारे एक बुलंद पाए के आलिम गुजरे हैं, वो उलमाओं को दर्स देते थे आखिर में हबीब हुसैन का, मुख्तसरन जिक्र जरूर किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद किसी आलिम ने उनको ख्वाब में देखा कि एक मद्दस नूर थी, उस नूरानी मद्दस में अरवाह मोमिनीन थे, उनसे आगे अरवाह औसिया थे और उनसे आगे अरवाह अंबिया थे और मिंबर के करीब 13 मासूमीन तशरीफ फरमा थे। रसूलुल्लाह के हुक्म से ज़ाकिरीन आकर मिंबर पर हमें उसे बयान करते हैं, पैगंबर के पीछे पर्दा पड़ा हुआ था, उस आलिम ने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं मद्दसी, अब मद्दसी आए और जिक्र हमें हुसैन करे। अल्लामा मद्दसी मदने से उठे और पैगंबर के इरशाद से मिंबर पर पहुंचे, दफअतन पीछे का पर्दा उठा और एक कनीज ने पैगंबर से कुछ अर्ज किया। पैगंबर ने एक मरतबा अल्लामा मद्दसी को खिताब करके फरमाया, मद्दसी मेरी बेटी ने पैगाम भिजवाया है, फरमाती है कि उसे की उस सत्याखी को बयान करो। आजादारो, रूज़े आशूरा जब इमाम हुसैन उस सत्य आखिर के लिए खेमे में आए तो आवाज दिया, ज़ैनब या उम्मे कुलसूम या सकीना या रबाब अलैकुन मिन सलाम, तुम सबको हुसैन का सलाम आखिर पहुंचे। उसके बाद इमाम सज्जाद के सिरहाने पहुंचे, इमाम सैयद सज्जाद के सिरहाने पहुंचे, बाजू बैठ कर सीधा बाजू थाम कर सूरह हम की तिलावत की। बेटे ने आंखें खोली, देखा कि बाबा सिरहाने सुर्ख अमामा और सुर्ख लिबास में नजर आए, हैरान होके उठ बैठे। अर्ज की, बाबा लिबास खून में रंगीन क्यों है? फरमाया, बेटा तुम्हारे बाबा सुबह से खून के दरिया में शनावर है। सैयद सज्जाद कांपते हुए खड़े हो गए, अर्ज की, बाबा ये कैसे हो सकता है कि बेटे की जिंदगी में बाप की ऐसी हालत हो जाए, इजाजत जिहाद दीजिए। इमाम ने कहा, तुम्हें मेरे हक की कसम, है ले जाओ कहीं जमीन हुज्जत खुदा से खाली न हो जाए। हाँ बेटा, मदीने जाना, मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना और कहना देखो ठंडा पानी पियो तो मुझे न भूलना और किसी गरीब की मुसीबत सुनो तो मुझ पर रोना। देखो मेरे शियों में तुमको बहुत याद किया, उस वक्त याद करता रहा जब मैं छोटे बच्चे के लिए सवाल आम कर रहा था, या शियती लैतकुम फी यौमि आशूरा जमीयन तसरूनी कैफ इस्तस्किल तिफ्ली फाबवा यरहमूनी। अलगराज इमाम सज्जाद सैयद सज्जाद के पास से उठे, शहजादी ज़ैनब को देखा, उम्मे कुलसूम पर नजर डाली और आवाज दी, या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम अलैकुन्ना मिन सलाम। उसके बाद इमाम ने फरमाया, तुम सबको हुसैन का सलाम आखिर हो। शेर ने कहा कि सब्र बहन चाहिए शरबत पे दिलाना मेरे।
जनाबे सकीना को गले से लगा कर फरमाया, ए बेकी सकीना अब मिलो गले से ये कला आज कटेगा, तू होगी यतीम राज तेरा आज लुटेगा, ए बेटी सकीना जाना है दूर शब को जो आना न हो इधर, जिद करके रोइयो न हमें जाती हो गर, राहत के दिन गुजर गए ये वक्त और है, अब यूं बसर करो जो यतीमों का दौर है। مرحوم ملا محمد دتانی، مرحوم ملا مرحوم اصغر ابن جعفر، مرحوم ملا اصغر ابن جعفر، مرحوم ملا نجف تجانی، مرحوم ملا مسلم جیولت، مرحوم ملا حسین دتانی اور تمام مرحومین کے سارے سوال کے لیے سورہ فاتحہ۔